व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लॉ फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे। देखिए, पब्लिक सर्विस क्या होती है? बेसिकली जनता के लिए सर्विस प्रोवाइड कराना, या तो गवर्नमेंट अपने आप करे या फिर जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके थ्रू कोई ऐसी हेल्प की जाए ताकि जो जनता है उनकी जो बेसिक एम्यूनिटीज हैं, यानी कि जिस तरीके से अच्छा पानी मिलना चाहिए, कम से कम इंसान को एक हेल्थ की सर्विस मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, कम से कम ये कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड कराई जा सके। तो यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे जो है वो इसी के बारे में बात करता है। हर साल 23 जून यहाँ पर ये इस सेट किया गया है इस डे के लिए कि हाँ, इसके बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। देखिए, एक तरीके से आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, अगर हम लोग अपनी कंट्री में बात करें, संविधान के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी जो कि पार्ट 4 में हमारे संविधान में आती है, ये भी कहीं ना कहीं इसी के बारे में बात करती है। अगर हम लोग बात करें फंडामेंटल राइट जो कि पार्ट 3 में आते हैं, वो हमारे राइट है, पर लेकिन ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है एक तरीके से, जो डीपीएसपी है ये याद दिलाती है गवर्नमेंट को कि जनता के लिए उनको क्या करना चाहिए। तो इस तरीके से जो सर्विसेज होती हैं, खासकर जो गरीब तबका है सोसाइटी का, उनके लिए खाने पीने का सिस्टम अच्छा होना चाहिए, कम से कम उनको कम से कम अपना पेट भर खाना मिलना चाहिए। तो इस तरीके से कम एक मिनिमम एजुकेशन लेवल मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर जो पब्लिक सर्वेंट है और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, देखिए पब्लिक सर्वेंट अगर फ्यूचर में आप लोग बनते हैं तो बेसिकली पर्पज यही रहता है इसका कि हाँ, कितना आप लोग डेडिकेटेड है अपनी सोसाइटी के लिए, कितना आप लोग डेडिकेटेड है अपनी कंट्री के लिए कुछ करने के लिए, तो वो यहाँ पर चेक किया जाता है जब आप लोग पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर आप लोग के हाथ में पावर होती है और पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये कि आप लोगों के पास में पावर है, तो इसका मतलब इसलिए कि आप लोग एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है। कैसे आप लोग पावर को यूज करते हैं ये डिसाइड करता है कि आप लोग कितने सही तरीके से अपनी पोस्ट को यूज कर रहे हैं। यूएन का जो पब्लिक सर्विस अवार्ड सेरेमनी है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहां पर क्रिएटिव अचीवमेंट जो भी किया जाता है पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड वाइड, उनको यहां पर रिकॉग्नाइज करता है, यानी कि कौन कौन किस किस फील्ड में क्या क्या अच्छा कर रहा है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए यहां पर अवार्ड भी दिए जाते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा। फर्स्ट अवार्ड जो सेरेमनी थी इससे रिलेटेड 2003 में ये स्टार्ट की गई थी। मोस्ट प्रेस्टिजियस जो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है यहाँ पर, ये एक्सीलेंस इन द पब्लिक सर्विस में, ये यहाँ पर यूएन के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस फोरम UNPSF 2019, ये यहाँ पर एक तरीके से जो अब की बार यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये अजरबैजान में यहाँ पर 24 से लेकर 26 जून तक ये सेलिब्रेट किया जाना है। और थीम भी यहाँ पर शानदार है, आप लोग देखते हैं, थीम है अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थ्रू इफेक्टिव पब्लिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, इनोवेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि जो भी आप लोगों को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करानी है, खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कंप्लीट करने के लिए, यानी कि जो 17 गोल हैं जिसमें गरीबी के बारे में बात करता है, भुखमरी के बारे में, हेल्थ के बारे में, अच्छी एजुकेशन के बारे में, ये सारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, कैसे आप लोग इनको कंप्लीट कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग यहाँ पर फायदा पहुंचा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर ये बात करता है। पब्लिक सर्विस फोरम में है ये हाईली फोकस देती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, खासकर 16 की और जो 10 की बात की जा रही है उसके ऊपर यहां पर बात करते हैं। 16 और 10 पब्लिक सर्विस जो यहां पर गोल है वो कौन से है आप लोग एक बार देख लीजिए। 16 में बात कर रहे हैं, ये 16 में बात की जा रही है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, यानी कि शांति होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है जो यहां पर एक तरीके से जो इनइक्वलिटी होती है उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है कि रिड्यूस इनइक्वलिटीज, कैसे इनइक्वलिटी को आप लोगों को घटाना है। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, जो कि यहां पर फोकस देकर चला जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, जब यहां पर पब्लिक सर्विस की हम लोग बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट गोल है, कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर बन जाते हैं। थीम क्या है, बेसिक पर्पज क्या है, कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर ये फोकस देकर चलता है, अब की बार ये कहां पर सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो ये कई सारे क्वेश्चन आप लोग इसी पॉइंट से बन जाएंगे। बाकी अजरबैजान के बारे में आप लोग एक बार देख लिए ताकि आप लोग इसे कनेक्ट कर सकें। ये हो गया हमारा प्यारा भारत बीचों बीच में। इधर अगर आप लोग आएंगे, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यहाँ पर, अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये देखिए कैस्पियन सी के साइड में ये यहाँ पर बाउंड्री टच करता है अजरबैजान। जैसा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर आप लोगों ने देखा होगा, कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं मैप से रिलेटेड, और वो कई सारे मैप जो है मैं आप लोगों को अलग अलग लेक्चर में कई बार आप लोगों को वो रिवाइज कराते रहता हूं, तो थोड़ा सा फोकस जरूर दिया कीजिए। तो यहाँ पर अजरबैजान यहाँ पर हो गया, अजरबैजान ये है यहाँ पर बाकू, इसकी कैपिटल यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है। ये कैस्पियन सी हो गया, यहाँ पर ब्लैक सी आप लोगों को देखने को मिलता है जो कि काफी न्यूज में रहता है, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पर बात करते हैं एक क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद में मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके आंसर बताऊंगा, मैच करके कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखेगा। यूनाइटेड नेशन ने प्रोक्लेम किया यहाँ पर 21 जून को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, तो इसकी थीम क्या थी जो कि अब की बार सेलिब्रेट किया गया है, काफी इंपोर्टेंट है, पता होना चाहिए। अदानी ग्रुप के द्वारा रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है उसमें जो कोयले की खान है उसमें खुदाई करने की बात की जा रही है, ये काफी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था, तो ये राज्य कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल 2019, ये क्या करेगा, यहाँ पर एक पुराना ला है उसको यहाँ पर अमेंड करेगा, वो ला कौन सा है ये आप लोगों को बताना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2019 के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं, एफडीआई फ्लो जो इंडिया में है यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो 6% के करीब यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 42 बिलियन हो गया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की गई है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, 6 मेंबर की कमेटी भी इसके द्वारा बनाई गई है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको आप लोग एटीएम बोलते हैं उसको किस तरीके से क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम को चेक करने के लिए ये कमेटी जो चेयर की गई है चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन के हैं, इनका नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। डीआरडीओ के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर ये है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV, तो यहां पर ये अभी आप लोगों को बताना है कि जो इसका एक एक्सपेरिमेंट किया गया है ये एक आइलैंड है उस आइलैंड का नाम आप लोगों को बताना है उड़ीसा के अंदर जहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है। राजेंद्र प्रसाद जो हमारी कंट्री के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे उनका लाइफ पीरियड जो रहा है ये 1884 से लेकर 1963 तक रहा है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफिस में कितने टाइम से कितने टाइम तक रहे हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आंसर बताऊंगा, मैच करके अपना स्कोर जरूर लिखिएगा और आगे का लेक्चर भी काफी अच्छे से आप लोगों को सुनना है क्योंकि एक ऐसा ही क्विज बिल्कुल वीडियो के एंड में होगा, उससे ये पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने ये लेक्चर सुना है। ओके तो आइए आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर है ये है क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा फोकस यहां पर किया जा रहा है पृथ्वी जो गर्म हो रही है कैसे उसको कंट्रोल करना है। ये यहां पर क्वींसलैंड स्टेट जहां पर ये कोयले की खदान में हमारी कंट्री की जो अदानी ग्रुप है ये यहां से कोयला निकाल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर डेंटिस्ट एक्ट 1948 यानी कि 1948 का जो एक्ट है वो रिप्लेस करेगा उसके ये रिप्लेस किया जाएगा यहां पर डेंटिस्ट अमेंडमेंट बिल 2019। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो 2019 है ये पब्लिश की जाती है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस है ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो इसके बारे में याद रखिएगा। आगे बात करते हैं वी के खन्ना है यहां पर जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन को चेक करेंगे यहां पर कि क्या क्या प्रॉब्लम है क्या क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, अगर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया जाता है तो कितना पैसा लगता है, कैसे उसको आप लोग और ज्यादा कट कर सकते हैं, कैसे ज्यादा और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, ये 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट यहां पर सबमिट करेंगे। ये जो आइलैंड है जहां से यहां पर अभी एक्सपेरिमेंट किया गया है डीआरडीओ के द्वारा यह डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, इसको पुराने टाइम में व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता था जो कि उड़ीसा के अंदर है। राजेंद्र प्रसाद जी जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जिसको फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं 1950 से लेकर 1962 तक ऑफिस में रहे हैं, तो ये भी आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, काफी अच्छे से क्वेश्चन के आंसर दिए गए कई सारे बच्चों के द्वारा। श्रेयस गुप्ता का नाम यहां पर है, आप लोगों का भी यहां पर नाम देखने को मिल सकता है। देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन काफी कम रहते हैं तो मैं वैसे ही यहां पर कई बार नाम नहीं लिखता हूं, ठीक है, तो कई सारे बच्चे बोले सर डेली नाम लिखा कीजिए, कई बार ऐसा भी होता है कि लेट हो रहा होता हूं लेक्चर में तो उसकी वजह से भी नाम छूट जाता है। आप लोगों का ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए कि यहां पर नाम आएगा तो ही मोटिवेशन रहेगा, आप लोगों को अंदर से ललक होनी चाहिए कि हाँ क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा उस तरीके से आप लोगों को डिसाइड करके चलना है क्योंकि आप लोगों के लिए इसलिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आप लोग उनको पढ़ें जाने एक बार को आंखों में को निकालें फिर से इनको टाइप करें तो आप लोग उसको याद रखेंगे लंबे समय तक, ठीक है। तो यहां पर बात करते हैं 6 माइनॉरिटी हमारी कंट्री में, मुस्लिम क्रिश्चियन जैन सिख पारसीज और बुद्धिस्ट, ये 6 मेजर माइनॉरिटी कम्युनिटी है हमारी कंट्री में। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 25 जनवरी 1950 हमारी कंट्री में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिक्चर में आया था जो कि इलेक्शन कंडक्ट कराता है। और हाँ एक पॉइंट आप लोग और याद रखेंगे यहाँ पर जब इलेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं वो गलती से आप लोगों को जो पहले चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उनका नाम बता दिया गया था ओपी जो यहाँ पर ओम प्रकाश रावत इनके ओपी रावत जी का नाम बता दिया गया था। ओपी रावत जो थे हमारी कंट्री के 22वें चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे, पर लेकिन फिलहाल जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 23वें यानी कि 23rd, इनका नाम है सुनील अरोरा, ठीक है, तो इनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा जो कि दिसंबर आई थिंक 2 या 3 दिसंबर को यहां पर इनकी अपॉइंटमेंट की गई थी 2018 से और ये हमारी कंट्री के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। ओके जो कि हमारी कंट्री में इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं और आर्टिकल 324 यहां पर इनको पावर देता है फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है, तो ये कुछ बातें इनके बारे में आप लोग याद
रख सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते, और हाँ यहाँ पर अबुल कलाम आइलैंड का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया, व्हीलर आइलैंड के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो आइए आगे चलते हैं, आइए नजर डालते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के बारे में डिटेल में। यहाँ पर अब न्यूज आप लोगों के सामने आने वाली है, एक एक कर देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है CICA के बारे में। CIC एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारी कंट्री के एस जयशंकर, इनके द्वारा अटेंड की गई 5वीं कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, जिसको CICA बोलते हैं। फिर से सुन लीजिए, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, यानी कि एक दूसरे के साथ में मिलना है और कॉन्फिडेंस लेकर आना है एशिया के अंदर। ये स्त्री कॉन्फ्रेंस जो कि दुशानबे तजाकिस्तान में अभी देखने को मिली, और पांचवी ये कॉन्फ्रेंस थी जो कि हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर हैं, एस जयशंकर, पहले एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुषमा स्वराज जी थी, तो इनके द्वारा अटेंड की गई। मल्टीनेशनल यहाँ पर यह फोरम है जो कि कोऑपरेट करती है कैसे प्रमोट किया जा सकता है पीस सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, यानी कि शांति होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए और यहाँ पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए एशिया के अंदर, कैसे यहाँ पर अच्छे से आगे बढ़ा जा सकता है एशिया को लेकर। स्टेब्लिश किया गया था 1999 में और इसके सेक्रेटरिएट जो है यह नूर सुल्तान कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की जो कैपिटल है अब आप लोग उसको नूर सुल्तान बोलते हैं। वैसे अगर आप लोग देखेंगे जो पुरानी कैपिटल थी यहाँ पर इसकी मैप में एक बार देख लीजिए, यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहाँ से अगर आप लोग कजाकिस्तान की बात करेंगे उसका नाम था अस्थाना, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी आप लोगों को मुझे लग रहा है नूर सुल्तानी देखने को मिलेगा, ये देखिए चेंज कर दिया यहाँ पर भी। तो ये कैपिटल रिसेंटली अभी इसकी चेंज की गई है। तो अगर कोई आप लोगों से पूछेगी कौन सी कंट्री की कैपिटल का नाम अभी रिसेंटली चेंज किया गया है, तो ये है कजाकिस्तान। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर अगर बात करें तो फोकस ये देना होता है कि कैसे यहाँ पर काम करना है, शांति बनाकर रखनी है एशिया के अंदर, और कम से कम अगर कोई इसका पार्ट है तो वो एशिया से कनेक्टेड होना चाहिए किसी न किसी तरीके से, ठीक है। तो तभी इसका पार्ट बन पाएगा। 8 कंट्री और 5 मल्टीनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन आज की डेट में इनको ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है, यानी कि ये मीटिंग अटेंड करते हैं यहाँ पर। इंडिया जो है यहाँ पर इसका वो स्टार्टिंग से ही यहाँ पर इसका मेंबर है, जब से ये बनाया गया, यानी कि 1999 से ही। हाईएस्ट डिसीजन जो ऑर्गन यहाँ पर इसका है ये CICA, ये मीटिंग जो होती है यहाँ पर हेड जो ऑफ द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पर आकर मिलते हैं, तो इस तरीके से जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी यहाँ पर ये होती है जो कि समिट देखने को मिलती है। समिट जो है यहाँ पर ये हर 4 साल में यहाँ पर समिट आप लोगों के सामने निकल कर आती है। देखिए क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, अगर कोई डिफरेंस होता है ना, जैसे 4 साल में समिट का नाम लिया, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया ये, क्योंकि नॉर्मली हर साल समिट आप लोगों को देखने को मिलती है मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन की। अगर मीटिंग की बात करें तो यहाँ पर ये मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आप लोग बोलें, तो यहाँ पर ये हर 2 साल में मिलते हैं, यानी कि जो हेड है वो बोल सकते हैं 4 साल में मिलते हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर 2 साल में मिलते हैं। और ये अभी 5वीं समिट थी यहाँ पर जो कि 2019 में देखने को मिल रही है। इसका जो थीम है यहाँ पर ये शेयर्ड विजन फॉर सिक्योर एंड द मोर प्रोस्परस CICA रीजन, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि मतलब यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड द कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया, ये है इसकी फुल फॉर्म। तो हल्का सा आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में जो अभी कजाकिस्तान में आप लोगों को बताया। टोटल मिलाकर अगर आप लोग देखेंगे ऑब्जर्वर 8 है, 27 इसके मेंबर है और 5 यहां पर जो ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाकी अगर बात की जाए तो यहां पर अगर ये हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर की बात करें, इनके द्वारा यहां पर इसको अटेंड किया गया है। और यहां पर आप लोग देखते हैं जो यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस में USA भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। और बाकी ये आसियान मेंबर जो हैं ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा अगर डायरेक्टर की बात करें, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये हैं हबीबुल्ला, ये है मीर जोजोदा, ठीक है। बाकी 1999 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पर ग्रीन है और जो मेंबर है वो ब्लू कलर में आप लोगों को देखने को मिल रही है। और बाकी जो एस जयशंकर जी हैं ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, 1946 में ये मिनिस्ट्री बनाई गई थी, तो इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो बात करते हैं यहाँ पर ये राज्य की न्यूज है, राज्य के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर ई फॉरन ट्रिब्यूनल बनाने के बारे में। देखिए अभी रिसेंटली बात की जा रही है कि जो आसाम के अंदर NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन निकल कर आया, यानी कि 1971 में बहुत लार्ज स्केल पर आसाम की जनसंख्या बढ़ गई, क्योंकि ईस्ट जो पाकिस्तान था जिसको आप लोग आज के डेट में बांग्लादेश बोलते हैं उसमें काफी लार्ज स्केल पर जनता को मारा गया, वेस्ट पाकिस्तान जिसको आप लोग पाकिस्तान बोलते हैं उसके द्वारा, और बहुत सारे जो लोग थे यहां से बांग्लादेश से भागकर वो यहां पर आसाम के अंदर चले गए। तो उस टाइम पर यहां पर काफी गुहार लगाई गई जो बांग्लादेशी थे, जो आसामी थे उनके द्वारा, कि हमारे एरिया में काफी ज्यादा लोग आ गए हैं, इसकी वजह से इंप्लॉयमेंट में काफी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो भी यहां पर ये
ले जा रहे हैं, तो इसलिए बोला गया कि चेक करो कि हमारी एरिया में कौन कौन इलीगल तरीके से आ गए हैं और उनको वहां से निकाल के बाहर फेंको। ये यहां पर काफी लंबे समय से मुहिम चली आ रही थी, तो अब यहां पर ये मुहिम आप लोगों को पता है काफी लार्ज स्केल पर अभी सेकंड एडिशन निकल कर आ रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिटीजन का, तो उसी के चलते गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया सेट करने के लिए ई फॉरनर ट्रिब्यूनल जो यहां पर EFT इन आसाम। ये क्या करेगा, अगर कोई फॉरनर है यहां पर इलीगल तरीके से आसाम के अंदर है तो यहां पर केस इसके अंदर जाएगा और यहां पर केस की सुनवाई करेगा, पूरा सिस्टम यहां पर इफेक्टिवली मॉनिटर करेगा, क्या रिजोल्यूशन है वो सारी चीजें यहां पर इंप्लीमेंट की जाएगी। क्या क्या होना है, मेंटेन रखा जाएगा बायोमेट्रिक एंड बायोग्राफिक जो डेटा है यानी कि इंसान का डेटा यहां पर रहेगा और किस एरिया का है वो यहां पर डेटा देखने को मिलेगा। कैप्चर करेगा इलीगल माइग्रेंट, अगर कोई भी आ रहा है हमारी कंट्री में तो उसके ऊपर फोकस रखकर चलेगा। लीगलाइज करेगा इलिजिबल बेनिफिशियरी को वेलफेयर स्कीम के लिए, यानी कि जो असली इंसान है जो यहां पर इस एरिया के रहने लायक इंसान है उसके लिए यहां पर वेलफेयर स्कीम भी सामने निकल कर आएगी, उनके लिए इलिजिबिलिटी काउंट करेगा यहां पर। तो इस तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि किस तरीके से यहां पर IT सिस्टम को यूज करके और ज्यादा स्ट्रेंथ यहां पर किया जा सकता है सिस्टम को, ताकि अच्छे लेवल पर जो यहां पर पुलिस जो यहां पर खासकर ऑर्गेनाइजेशन है और खासकर जो भी यहां पर गलत तरीके से जिसको यहां पर पकड़ा जाता है उसको भी डिटेंशन किया जा सके, प्रोसिक्यूट किया जा सके, ताकि पर्टिकुलर एरिया में कोई भी प्रॉब्लम देखने को न मिले, ट्रांसपेरेंसी निकल कर आए। तो ये काम यहां पर किया जा रहा है। CEO जो यहां पर रहने वाले हैं EFT मिशन के, ये यहां पर आनंद प्रकाश तिवारी, तो इनका नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया ये अभी EFT यानी कि फॉरनर ट्रिब्यूनल, ओके, आसाम के अंदर, आसाम के अंदर याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, आसाम है ये हमारा नॉर्थ ईस्ट में जो राज्य है, अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय है यहाँ पर और यहाँ पर वेस्ट बंगाल, बाकी बाहर के टच करने वाली भूटान हो गया, चाइना और इधर आप लोग को म्यांमार नजर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी अंदर बांग्लादेश तो है ही, ये आप लोग देख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और लॉ के बारे में कि क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। हमारे यहाँ पर अभी चेंज करने की बात की जा रही है जो रिजर्वेशन है इन द टीचर कैडर बिल 2019। देखिए यहाँ पर अभी एक नया सिस्टम लाने की बात की जा रही है जो खासकर इसको इंप्लीमेंट करने के तहत यहाँ पर काफी कुछ अच्छा रिजर्वेशन पॉलिसी भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन द टीचर कैडर बिल 2019। द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन द जो यहाँ पर टीचर कैडर ऑर्डिनेंस 2019, तो इसको यहां पर रिप्लेस करेगा जो कि अब तक ऑर्डिनेंस था। इंट्रोड्यूस किया जाएगा अभी जो सेशन यहां पर है मानसून सेशन, उसके बारे में अभी इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फोकस यहां पर किया जाएगा जो यहां पर बेसिकली ये क्या करेगा, ये यहां पर एक तरीके से जो रिजर्वेशन पोस्ट है यहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो टीचर का किया जाता है उसके तहत यहां पर 200-point रोस्टर नोट डिपार्टमेंट, यानी कि कहने का मतलब यहां पर क्या है, 200-point रोस्टर क्या है पहले आप लोग ये समझ लीजिए। बेसिकली अगर यहाँ पर 200 सीट हैं, ठीक है, तो 200 सीट में से 99 जो सीट रहेंगी वो OBC SC ST यानी कि जो रिजर्वेशन सीट है उनके लिए रहेंगी, 101 सीट जो है यहाँ पर वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगी। अब यहाँ पर क्या है, मान लीजिए जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अंदर कोई सीट की कमी पड़ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी कि SC ST OBC की जो सीट फिल करनी है वहां पर, तो वहां पर क्या किया जा सकता है, मान लीजिए किसी की सीट की कमी पड़ गई तो रिजर्वेशन कैटेगरी में एक दूसरे से फिल किया जा सकता है रिजर्वेशन के अंदर ही, यानी कि SC की अगर कम पड़ गई तो OBC से फिल किया जा सकता है, OBC की कम पड़ गई तो ST से फिल किया जा सकता है, इस तरीके से यहाँ पर अंदर ही अंदर फिल किया जा सकता है। पर लेकिन ये रिजर्वेशन की कैटेगरी में होगा, अनरिजर्व की सीट अलग रहेंगी और रिजर्व की सीट अलग रहेंगी, ऐसा यहाँ पर है बेसिकली। इसी के चलते यहां पर 10% रिजर्वेशन जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए जो अभी प्रोवाइड कराया गया था रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस तरीके से मोर देन 7000 जो एग्जिस्टिंग वैकेंसी है उनको फिल किया जाएगा 200-point रोस्टर के बेस पर। तो ये रहेगा यहाँ पर एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन SC ST और जो सोशली एजुकेशन बैकवर्ड है यहाँ पर उनको भी यहाँ पर काउंट किया जाएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, और कहीं ना कहीं इंश्योर करेगा ये जो आर्टिकल 14 है हमारे संविधान में और 16 और 21, ये क्या करते हैं यहाँ पर बेसिकली, इनके बारे में आप लोग हल्का सा नजर डाल लीजिए। आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, तो प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ पर्सनल लिबर्टी में आप लोग कई कई तरीके से इसको काउंट कर सकते हैं, जैसे हमारी कंट्री में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो वो भी एक तरीके से आर्टिकल 21 से ही निकल के आता है। क्यों? क्योंकि अगर अच्छा एनवायरमेंट नहीं होगा तो अच्छी लाइफ आप लोग कैसे बोल सकते हैं, किसी भी पर्सन को डिप्राइव नहीं किया जा सकता उसकी लाइफ से, पर्सनल लिबर्टी से, एक्सेप्ट यहां पर जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश किया गया लॉ के द्वारा, यानी कि अगर लॉ के हिसाब से चलेंगे, अगर गलती किया तो उसको फांसी भी दे दो पर बिना लॉ के हिसाब से आप लोग उस इंसान का कुछ नहीं करेंगे, ऐसा बोला जाता है। फंडामेंटल राइट है हमारे संविधान में, अगर राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं आर्टिकल 14 यहां पर इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, यानी कि इक्वलिटी होनी चाहिए, लॉ के सामने हर एक इंसान इक्वल है,
यानी कि अगर गलती की है तो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे रिक्शा वाला हो, इक्वल है यहाँ पर लॉ के सामने, सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलती है लॉ की। आर्टिकल 15, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर रिलीजन, कास्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से, यानी कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर इंसान के बीच में, वो कहां पे पैदा हुआ है, क्या रंग है, क्या कास्ट है, इसके बेस पर। इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए यहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, ये नहीं है कि ये यहां पर नेता का बेटा है इसको पोस्ट दे दो और यहां पर ये गरीब का बच्चा है इसको पोस्ट मत दो। अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए जैसे पहले हुआ करता था पास्ट में कि हाँ ये यहां पर अनटचेबल पर्सन हो गया, जो खासकर बेगारी क्या करते पहले उनको यहां पर अनटचेबल माना जाता था, जो सफाई का आज के डेट में जो हमारा सफाई करते हैं खासकर आज के डेट में देखिए उन्हीं की वजह से एक अच्छी सोसाइटी में हम लोग रह पाते हैं, पहले उनको अनटचेबल बोला जाता था। जो यहां पर हुआ करता था वर्ना सिस्टम, वो आप लोगों ने सुना होगा, वो वर्ना सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जो कि एक तरीके से सोसाइटी को डिवाइड करता था पुराने टाइम पर, ठीक है। नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा सारे वर्ना सिस्टम का, ये कई बार आप लोगों से पूछा भी गया है पास्ट में। यहां पर देखने को मिलता है आप लोगों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्या और शूद्र, तो यहां पर ये इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। आर्टिकल 18 यहां पर बोलता है अबोलिशन ऑफ द टाइटल, यानी कि जिस तरीके से आप लोग बोले किसी के सामने अगर नाम लगाया जा रहा है टाइटल, वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा, पहले आप लोगों लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो लॉर्ड टाइटल लगा दी यहां पर, बहादुर शाह, कुछ ऐसे ऐसे जो नाम जो टाइटल लगाए जाते थे ना, ये खाला खाला या फिर पता नहीं क्या क्या, शेर शाह, सूरी, इस तरीके से नाम के आगे जो टाइटल लगा दिया जाता था, तो मतलब सरदार हो गए सरदार, कुछ भी ऐसा टाइटल यहां पर नहीं लगाया जाएगा, हर एक इंसान यहां पर इक्वल है। तो ये फंडामेंटल राइट के अंदर भी इक्वलिटी की बात हमारी कंट्री में की गई है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो जो न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये बोला जा रहा है जो भी चार्ज आज की डेट में लगाए जा रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर, वो सारे चार्ज हटा दो। एक साइड में तो आप लोग बोलते हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन और दूसरी साइड में आप लोग चार्ज लगाते हैं। अगर मान लीजिए यहां पर ये बैंक है बी और ये बैंक है सी, यहां पर आप लोगों के पास में बी बैंक का एटीएम है और यहां पर सी बैंक के एटीएम से आप लोगों को जाकर पैसे निकालने हैं, तो ये बैंक क्या करता है यहां पर, ये चार्ज करता है पैसे, तो ऐसी कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। तो अब बात ये कर रहे हैं कि किस तरीके से चाहे कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों ना करना हो, चाहे आप लोगों को ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू जो एनईएफटी करनी है यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, या फिर आरटीजीएस करना है आप लोगों को यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये कोई भी सिस्टम आप लोग करना है, इसको बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में एक तारीख से यहां पर इन पे रिलेटेड कोई भी पैसा काउंट आप लोग नहीं करेंगे, यानी कि फ्री ऑफ चार्ज यहां पर ये सारी चीजें ट्रांसफर की जाएगी। और ये किसके थ्रू किया जा रहा है यहां पर, ये किया जा रहा है यहां पर सेक्शन 10(2) और सेक्शन 18 जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2017 है 2007 है, तो उसका जो यहां पर एक्ट यहां पर 51 यहां पर 2017 बेसिकली इसका आप लोग नाम याद रखते हैं यहां पर, ये यहां पर ये पेमेंट एंड द सेटलमेंट एक्ट 2017 के ये सेक्शन यहां पर दे रखे हैं। बस एक बार एक्ट भी आप लोग याद रख लेंगे तो मोर देन सफिशियंट है कि आज की डेट में जो ऑनलाइन पैसा आप लोग ट्रांसफर करते थे आरटीजीएस और एनईएफटी के थ्रू, उसमें पैसा लगा करता था आप लोगों का चार्ज कि इतना पैसा आप लोगों को देना पड़ेगा, अब वो चार्ज नहीं लगेगा, आप लोग यहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट यहां पर इसका मतलब होता है कि लार्ज वैल्यू इंस्टेंट फंड आप लोगों को ट्रांसफर करना है। नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है एनईएफटी, यहां पर 2,00,000 तक का आप लोग एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं। थोड़ा सा और यहां पर इसके बारे में जान लेते हैं ताकि आप लोग और अंडरस्टैंड कर सके। यहां पर ये देखिए, यहां पर जो रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट होता है ये एक तरीके से यहां पर स्पेशलिस्ट फंड ट्रांसफर सिस्टम यहां पर बनाया गया था ताकि मनी को सिक्योर तरीके से ट्रांसफर किया जा सके रियल टाइम में, यानी कि जिस टाइम ट्रांसफर करें उसी टाइम एग्जैक्ट ये पहुंच जाए। ग्रोथ का मतलब होता है टोटल, जैसे जीडीपी की बात करते हैं आप लोग, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो टोटल इसका मतलब होता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की अगर बात की जा रही है यहां पर, ये एक तरीके का फंड ट्रांसफर होता है जो कि मेंटेन किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एनईएफटी। ये इनेबल करता है कस्टमर को फंड ट्रांसफर करने के लिए अप टू 2,00,000 तक का यहां पर, और ये वन टाइम बेसिस होता है, ठीक है। ये यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर के थ्रू होता है, यानी कि ये 2,00,000 तक का होता है और यहां पर ये जो होती है ये एक बड़ा अमाउंट यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। प्रोसीजर तो आप लोग ये ट्रांसफर करना, अगर आप लोगों ने ट्रांसफर किया ही होगा, हालांकि ये यहां पर आप लोगों से डिटेल मांगता है, आईएफएससी कोड वगैरह, सामने वाले का नंबर और नाम, वो सारा डालकर आप लोग इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो आसान है, एक बार आप लोग जाएंगे तो आप लोग जो इंटरनेट बैंकिंग है उसमें ये सारे ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशन की बात की जा रही है इंडिया और यूएसए के बीच, यूएसए के बारे में। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस जिसको आप लोग जीएसपी बोलते हैं, इसका मतलब ये अगर एक कंट्री का प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बेचा जा रहा है तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेंगे, और ये ओनली फैसिलिटी उनके लिए जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी कि अभी जहां पर काम अभी चल रहा है वो अभी उनकी कंट्री थोड़ी सी ठीक ठाक साइड में चल रही है, अभी डेवलपिंग साइड में है, यानी कि डेवलप अभी हो रही है, ज्यादा डेवलप नहीं हुई है, वो कंट्री अगर प्रोडक्ट बेचती है डेवलप्ड इकोनॉमी में, यानी कि जैसे यूएसए हो गया या फिर यूरोपियन कंट्री हो गया, जर्मनी, फ्रांस, इनके अंदर ले जाकर
का सामान बेचते हैं तो उस पर टैरिफ नहीं लगेगा। अभी रिसेंटली यूएसए ने क्या किया, हमारी कंट्री के 29 जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर यहां पर टैरिफ लगा दिया गया, या फिर आप लोग बोल सकते हैं विड्रॉ कर लिया है ड्यूटी फ्री जो बेनिफिट हुआ करता था जीएसपी के तहत। 5 जून से यहां पर देखने को मिला 25% टैरिफ यहां पर अभी रिसेंटली स्टील के ऊपर लगाया गया था यूएसए के द्वारा 2018 में मार्च में। 10% जो टैरिफ यहां पर एल्यूमिनियम के ऊपर लगाया गया था, हम लोगों ने उस टाइम पर छोड़ दिया था यूएसए को, हमने सोचा सुधर जाएंगे आगे चल के, पर लेकिन फिर से हरकत की गई। अभी इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस हटा लिया गया, तो इंडिया ने भी रिटेलिएटरी मेजर लगा दिया। जितना एल्यूमिनियम और स्टील के इंपोर्ट पर हमारी कंट्री पर टैरिफ लगाया गया था उसी के इक्विवेलेंट हमारी कंट्री ने भी यहां पर इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। जब 5 जून से जीएसपी सिस्टम हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट थे उनसे यहां पर इनके द्वारा खींचा गया है, और ये भी लगभग 10% हमारा प्रोडक्ट है जीएसपी का वो यहां पर इनके द्वारा खींचा गया है। तो इंडिया यहां पर डिसीजन ले लिया कि रिटेलिएटरी मेजर लगाया जाएगा 29 यूएस आइटम के ऊपर, और ये 16 जून से यहां पर इंप्लीमेंट हो चुका है। यानी कि हम लोग पहले डर रहे थे कि हाँ यूएसए है, पता नहीं क्या करेगा, ये करेगा वो करेगा, पर लेकिन एक खत होती है कि इससे दब देंगे। इसके बाद में तो देखिए आप लोगों को मेजर उठाना ही पड़ेगा, वही गांधी जी वाली बात कि पहले एक कान कर दिया थप्पड़ मार दिया, दूसरा गाल कर दिया फिर थप्पड़ मार दिया, अब आगे क्या करें। तो फिर यहां पर मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली बात आ जाती है, आगे तो बता ही नहीं यार क्या करना है, फिर तो आगे लग जाओ। तो वही काम यहां पर किया गया, यूएसए ने तब तक यहां पर पोलम की हम शांत थे, पर लेकिन अब हम भी शांत नहीं बैठेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में, तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर SLACC, ये क्या है यहाँ पर, ये है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्शन टू द क्लाइमेट चेंज। यानी कि ऐसी लाइफ आप लोगों को जीनी है जो कि एक सस्टेनेबल लाइफ हो, यानी कि अपने आप भी इंजॉय करना है और आने वाली जनरेशन के लिए भी आप लोगों को सोचकर चलना है, और इसी के तहत यहाँ पर कोई क्लाइमेट पर नेगेटिव इंपैक्ट न डाले, कुछ ऐसा आप लोगों को प्रोसीजर लेकर चलना है। तो ये यहाँ पर अभी बात की जा रही है, ये NIRDPR ये यहाँ पर क्या है इसके बारे में भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ये बेसिकली जो बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की बात की जा रही है यहाँ पर। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड जो मिशन है, किस तरीके से जो पॉवर्टी एलिवेशन का काम करता है उसके थ्रू यहाँ पर आप लोगों को ये देखने को मिल रहा है। बेसिक फंडा क्या है यहाँ पर, बेसिक फंडा यहाँ पर ये है कि हमारी कंट्री में जो खासकर जो गरीबी है उसको कैसे मिटाना है, और ये यहाँ पर फोकस देकर चला जाएगा। तो NIRDPR ये है यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, यानी कि जो अभी मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर ये बात की जा रही है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो यहाँ पर एक तरीके से गांव वाले एरिया में कैसे डेवलपमेंट आप लोग कर सकते हैं, तो ये फोकस किया जाएगा, और ये सारा फोकस किया जाएगा जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उसके द्वारा। बेसिकली किस तरीके से यहाँ पर ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्शन जो क्लाइमेट चेंज है इसको अडेप्ट करना है, तो यहाँ पर पंचायत मिलकर काम करेगी इसको अडेप्ट कराने के लिए। इसी के चलते अभी लॉन्च किया गया हैदराबाद बेस्ड नेशनल इंस्टीट्यूट रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके थ्रू जो यहाँ पर सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्शन क्लाइमेट चेंज यानी कि SLACC यहाँ पर लॉन्च किया गया गांव में, जो गांव में जो फार्म बेस्ड हाउस होल्ड एडेप्शन क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल लाइवलीहुड देखने को मिलेगा। यानी कि गांव में एक ऐसा सिस्टम तैयार करना है ताकि जो लोगों की लाइफ है वो ऐसी रहे जो इन्वायरमेंट पर नेगेटिव इंपैक्ट न डाले और अच्छे तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिले। तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत यहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 638 जो ड्रोथ यानी कि जहां पर सूखा पड़ता है या फिर जहां पर बाढ़ आती है उन राज्य में उन एरिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा, मध्य प्रदेश और बिहार के अंदर पायलट बेसिस पर, यानी कि चेक किया जाएगा कैसे ये काम करता है, उसके बाद में नेशनल वाइड इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं यहां पर। ये लाइवलीहुड सर्विसेज की बात की जा रही है, कैसे इसको सस्टेनेबल बना सकते हैं उसके ऊपर इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिलेगी, अगर अच्छी रहेगी तो सही से इंप्लीमेंट किया जाएगा, वरना तो फिर प्रॉब्लम देखने को मिलती ही है। तो ये भी आप लोग यहां पर देखते हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो था ये 2011 में लॉन्च किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा गांव वाले सेक्टर को अच्छे से यहां पर डेवलप करने के लिए, और रूरल जो यहां पर मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उसके अंदर में यहां पर ये आता है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है यहां पर, ये इंडिया में यहां पर इसका एरिया देखने को मिलता है। नरेंद्र सिंह तोमर के अंदर ये मिनिस्ट्री आज के डेट में आती है, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है यहां पर यह राम कृपाल यादव। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर के बारे में, यानी कि क्या क्या यहां पर खिताब लोगों को मिल रहे हैं। तो साहित्य अकादमी अवार्ड के बारे में बात की जा रही है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है हमारी कंट्री में 1954 में ये स्टार्ट किया गया था, ये साहित्य के फील्ड में यहाँ पर दिया जाता है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको ऑन करती है। साहित्य अकादमी अवार्ड यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं 22 राइटर, यहाँ पर साहित्य अकादमी बॉल साहित्य पुरस्कार 2019 के लिए 23 राइटर यहाँ पर, ये इसी के साथ में युवा पुरस्कार के लिए, यानी कि दो कैटेगरी में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, बाल साहित्य और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो यहाँ पर अगर बात करें जो अवार्ड है यहाँ पर,
यहां पर फर्स्ट पब्लिश किया गया था। ये 5 ईयर इमीडिएटली जो प्रोसीडिंग होती है अवार्ड की वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जब पुरस्कार यहां पर दिया जाएगा उसके जस्ट पहले 5 साल तक का यहां पर काउंट किया जाएगा कोई यहां पर अगर बुक पब्लिश की है, ठीक है। और इसी के साथ में अगर 2010 से लेकर 9 तक का, अगर 19 तक का किसी ने जो चिल्ड्रन लिटरेचर यानी कि बच्चों से रिलेटेड कोई यहां पर पुस्तक यहां पर पब्लिश की है, बाल साहित्य इसीलिए इसका नाम रखा गया है, साहित्य अकादमी। फिर युवा की बात करते हैं, जो युवा काउंट किए जाते हैं यहां पर ये 35 साल या फिर उससे नीचे का अगर जो कोई पर्सन है उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये चेक रखिएगा यहां पर जो कैटेगरी है, यहां पर 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पर ये इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहां पर जो दिया जाता है एक कॉपर प्लेट यहां पर दिया जाता है, इसी के साथ में चेक रहता है 50,000 का जो कि प्रेजेंट किया जाता है अवार्डी को, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं अगर क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे तो। ये देख सकते हैं यहां पर इसके बारे में अगर बात की जाए, थोड़ा आगे बात कर रहे हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के बारे में, तो प्रहलाद सिंह पटेल यहाँ पर आज के डेट में यहाँ पर मिनिस्टर है इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के अंडर में, जो कि इस पर्टिकुलर अवार्ड को यहाँ पर ओन करती है। हम लोगों ने यहाँ पर बात भी की थी कि ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो बात की जा रही है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, तो बात यहां पर देखने को मिली है एशियाटिक गोल्डन लायन के बारे में, सॉरी नेचर के बारे में है यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है हमारी कंट्री में अरुणाचल प्रदेश में ये अभी गोल्डन कलर की नॉर्मली कैट देखने को मिलती थी, यानी कि बिल्लियां। आप लोग यहां पर देखिए ये जो थी नॉर्मली बोला जाता था कि गोल्डन कलर की कैट यहां पर देखने को मिलती है, पर अभी रिसेंटली ये जो कैट है ये अलग अलग कलर में भी यहां पर पाई गई है। ये देख सकते हैं ब्लैक हो गया, ये थोड़ा सा इस तरीके का जो चितकबरा टाइप का कलर हो गया, ये अलग अलग कलर में भी देखने को मिली है। अब तक ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी कि यहां पर ये ओनली गोल्डन कलर में पाई जाती है, तो ये बेसिकली अभी 5 अदर शेड में अभी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिली है जो कि यहां पर एशियाटिक गोल्डियन कैट जिसको बोला जाता है। तो ये किसके द्वारा खोज की गई है, जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन यानी कि ZSL के द्वारा यहां पर अभी डिस्कवरी की गई है। 6 कलर और यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये दिबांग वैली। दिबांग वैली पूछा जा सकता है कहां पर है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। तो अकॉर्डिंग टू जो स्टडी पब्लिश की गई यहां पर इकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ अमेरिकन जर्नल के अंदर, ये वेराइटी ऑफ जो कैट्स यहां पर देखने को मिली है ये अलग अलग हैबिटेट की वजह से यहां पर ये इस तरह की कंडीशन देखने को मिल रही है। देखिए यहां पर जो डिफरेंट हैबिटेट में डिफरेंट यहां पर एलिवेशन होता है, तो इस तरीके से यहां पर ये कलर भी चेंज इसका आप लोगों को देखने को मिलता है। कलर जो है यहां पर ये रैंडम यहां पर जेनेटिक रीजन की वजह से म्यूटेशन यहां पर जो है, मान लीजिए एक कैट है वो दूसरे किसी रीजन में रह रही है, ठीक है, और फिर यहां पर वो किसी दूसरे रीजन के साथ में जाकर मेटिंग करती है, यहां यानी कि एक फिजिकल रिलेशन बनाया जाता है, उसके बाद में जो बच्चा पैदा होता है अलग अलग रीजन के लिए, तो वहां पर जब यहां पर कलर में आप लोगों को डिफरेंस नजर आता है। जब इतना ज्यादा न्यूज में है तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये कैटोपुमा टेन मिन कैन टेन मिन मिन की, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये इसका साइंटिफिक नेम है जो एशियाटिक गोल्डन कैट आप लोगों को देखने को मिल रही है। इसी के चलते इंटरनेशनल जो IUCN है यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर जो कि एक लिस्ट निकालती है जिसमें ये देखा जाता है कि ये पर्टिकुलर जो जानवर है ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये थ्रेटन्ड कैटेगरी में आता है यानी कि ज्यादा अच्छी पोजिशन इसकी नहीं है, काफी कम स्केल पर देखने को मिलता है। बाकी फाउंड किस रीजन में किया जाता है, तो नेपाल वाले रीजन में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और इंडोनेशिया में। तो यानी कि आप लोगों से जैसे UPSC में अब की बार क्वेश्चन देखा होगा आप लोगों ने जो राइनोस के बारे में पूछा गया था, इसी तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए थे पर्टिकुलर जो डबल हम्प कैमल है उसके बारे में पूछा गया था, क्वेश्चन वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। तो ये जो है बेसिकली ये यहां पर पूछ ले जाते हैं आप लोगों से बड़ी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन कि हाँ ये पर्टिकुलर जानवर किस एरिया में पाया जाता है। तो भूटान चाइना में भी यहां पर 2 मॉर्फस गोल्डन कैट यहां पर 1 कलर अलग अलग कलर की बात यहां पर की जा रही है देखने को मिलती है। बेसिकली फिलहाल अभी जो बोला गया है ये 6 कलर में यहां पर इंडिया में देखने को मिल रही है, और इसी के साथ में स्मॉल जो वाइल्ड कैट है यहां पर ये अमेरिका के अंदर भी पाई जाती है। तो ये 6 कलर आप लोग यहां पर इसके याद रख सकते हैं। आइए अब आगे चलते हैं, आगे जो बात करते हैं यहां पर ये इंपॉर्टेंट हेरिटेज साइट के बारे में बात कर लेते हैं। आज यहां पर डेली आप लोग कुछ ना कुछ यहां पर डिफरेंट नजर आ रहा होगा, आई होप कि आप लोग अब इंजॉय कर रहे होंगे। अजंता की जो केव है ये यहां पर रॉक कट बुद्धिस्ट केव है, यानी कि एक तरीके से ये यहां पर पहाड़ था, पहाड़ को कट कर उसके अंदर ये केव बनाई गई, ये डिजाइन बनाया गया, ये बुद्धिस्ट केव है जो कि 2nd सेंचुरी से लेकर 48 CE तक यहां पर ये बनाई गई है। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये पाई जाती हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोटेक्टेड है यानी कि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और 1983 से इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट बनाया गया है यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में ये आ गई है। एक इंपॉर्टेंट ये एवरग्रीन क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है, अजंता की जो केव है
ये यहां पर बुद्धिस्ट केव है, पर लेकिन अगर बात करें एलोरा की केव, ये यहां पर ये बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन, ये मल्टी रिलीजन यहां पर केव आप लोगों को देखने को मिलती है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखिएगा आप लोग। एलोरा की जो केव है ये यहां पर ओनली बुद्धिस्ट केव है, वो सॉरी अजंता की केव ओनली बुद्धिस्ट केव है, एलोरा की केव जो है यहां पर ये अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलती है। अजंता की केव अभी आप लोगों को बताया गया कि महाराष्ट्र में, आप लोग ये बताइए कि एलोरा की केव यहां पर कहां पर पाई जाती है, ये हमारी कंट्री में कौन से राज्य के अंदर, ये क्वेश्चन है। बाकी आप लोगों को इकोनॉमी का रिविजन करना है तो डिटेल एनालिसिस यहां पर एलपीजी रिफॉर्म का लिए, यहां पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, डिटेल में डिस्कस किया गया है। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा, हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या यहां पर हम लोगों ने आज डिस्कस किया है, उसके बाद में क्विज होगा। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे के बारे में जाना, नेक्स्ट क्विज था, उसका आंसर था आप लोगों के सामने, ये क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर आप लोगों के द्वारा अच्छे से दिए गए। नेक्स्ट हम लोगों ने सीआईसीए के बारे में जाना, जो कि समिट अभी देखने को मिली और हमारी कंट्री के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा अटेम्प्ट की गई। नेक्स्ट यहां पर ये आसाम के बारे में जाना, जो एनआरसी का प्रोसीजर चल रहा है उसके बारे में डिटेल में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर टीचर रिजर्वेशन की बात की और क्या है यहां पर ये पॉलिसीज, वो जाना सारा। नेक्स्ट यहां पर जो चार्ज हटाने की बात की जा रही है बैंक के द्वारा, वो हम लोगों ने समझा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा हम लोगों ने यहां पर इंडो यूएस जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के बारे में जाना। नेक्स्ट यहां पर SLAC यानी कि बात की जा रही है सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड एडेप्शन टू क्लाइमेट चेंज, ये डिटेल में जाना क्या क्या बातें थी, क्या क्या मुद्दे थे, सब समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने साहित्य अकेदमी अवार्ड के बारे में डिटेल में जाना। इसके अलावा ये एशियाटिक गोल्डन कैट के बारे में जाने को मिला, साइंटिफिक नेम वगैरह भी जाना। नेक्स्ट यहां पर बात यहां पर अजंता की केव के बारे में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और ये था आप लोगों का इकोनॉमी का जो रिवीजन था, ये आप लोग जाकर रिवाइज कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आइए अब बात करते हैं आज के क्विज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा अभी 5 दिन की कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट की गई यहां पर सीआईसीए के रिलेटेड, जो कि एशिया पर फोकस देकर चलता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, तो कहां पर हुई ये मीटिंग, ये बताना है। नेक्स्ट जो बात की जा रही है, अभी रिसेंटली यहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि NEFT RTAGS जो सारे सिस्टम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगेगा, कब से ये इंप्लीमेंट होना है ये आप लोगों को बताना है। साहित्य अकेदमी अवार्ड में जो यहां पर युवा पुरस्कार है, तो यहां पर युवा पुरस्कार की एज कितने तक है ये बताना है। साइंटिस्ट के द्वारा भी गोल्डन कैट की बात की जा रही है, तो गोल्डन कैट जो है वो 5 अदर स्टेट में भी देखने को मिली है, अरुणाचल प्रदेश के किस रीजन में यहां पर ये अभी न्यूज में थी ये बताना है। एशियाटिक गोल्डन कैट का साइंटिफिक नाम क्या है, जो कि यहां पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर की थ्रेटन्ड कैटेगरी में आती है। अगर बात करें केव की, तो आप लोगों को यहां पर यह बताना है, जो रिसेंटली अभी केव की बात की जा रही है, कि जैसे कि आप लोग देखेंगे अजंता की केव और एलोरा की केव, तो किस किस रिलीजन से रिलेटेड है यहां पर यह बताना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था आज का डिस्कशन, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, एंजॉय कीजिए क्योंकि काफी डिटेल में डिस्कस किया है। ये सारे ऐसे क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। रिविजन जरूर करते रहिए, काफी जरूरी है, तो संडे में रिविजन कीजिएगा जितना ज्यादा आप लोगों ने पूरा जो भी आप लोगों ने अब तक पढ़ाई की है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक जरूर किया कीजिए, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जहां पर भी आप लोग कनेक्टेड है, चीजों को शेयर जरूर किया कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाया जा सके। अगर आप लोगों को फायदा हो रहा है तो उनको भी फायदा जरूर होगा। बाकी PDF आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर फेसबुक से, लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।